हेलो फ्रेंड्स, आई एम अगेन हियर फ्रॉम सिविल सर्विसेज स्टडी ग्रुप से। आज हम पढ़ेंगे भूगोल के ऐसे 100 क्वेश्चंस जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें से मैं देखता हूँ हर एग्ज़ाम्स में 4 से 5 क्वेश्चन रहते ही हैं। तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट। सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण किस वर्ष से किया गया था? 1884 में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? थाईलैंड। भारत में तेंदुपत्ता का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में। बेरूत किस देश की राजधानी है? लेबनान की। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच के पूर्व के किस देशांतर का समय है? 82 ईस्ट का, और ये इलाहाबाद के निकट नैनी में मिलती है ग्रीनविच लाइन। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? पामीर क्षेत्र को। क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? पारे को। युत किस जनजाति का घर है? किर्गिज का। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर। रेगुर मिट्टी क्या है? काली मिट्टी है रेगुर। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, और ये महाराष्ट्र का एक हिल स्टेशन है जो सतारा डिस्ट्रिक्ट में है। भारतीय मानक समय IST किस स्थान के स्थानीय समय दर्शाता है? मिर्जापुर। 82 पूर्वी देशांतर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्षयान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप हैं। आंध्र प्रदेश का बंगम पिल्लय क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? हीरो के भंडार के लिए। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयोजक देश कौन सा है? अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कौन होता है? 22 दिसंबर। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? क्षोभ मंडल में, जो कि सबसे निचला भाग होता है हमारी भूपर्पटी का। विश्व के मानचित्र के सबसे पहले निर्माणकर्ता कौन थे? अनैक्जिमेंडर। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? काली नदी। विश्व का प्रसिद्ध डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में है? यूक्रेन में। दंडकारण्य योजना छत्तीसगढ़ में, जैसे हम पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर। भारत में कौन सा स्थान भूमध्य के निकट स्थित है? इंदिरा पॉइंट। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? आयन मंडल। अगर आयन मंडल नहीं होता तो हमारी जो तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे, वो टकराकर वापस आने के बजाय अंतरिक्ष में कहीं विलुप्त हो जाती, और आज हम मोबाइल और इसका यूज़ नहीं कर पाते। तो ये आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी की तरफ परावर्तित कर देता है। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? फिलीपींस में। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? जम्मू कश्मीर। क्रा नहर किस देश में है? थाईलैंड में। काली और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? नेपाल हिमालय। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, पहला चीन का है, और क्षेत्रफल में 7वां स्थान है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश रशिया है। भूमध्य सागर की लंबाई कितनी है? 6378 किलोमीटर। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? भूविवर्तनीय सिद्धांत। मन्नार की खाड़ी किन दो देशों को अलग करती है? भारत और श्रीलंका को। मानचित्र पर प्रदर्शित वह रेखा जो किसी स्थान से समान अभिगम स्थानों को मिलाती है, अभिगम्यता सम्मान रेखा कहलाती है।
भारत में कुटीर कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र फिरोजाबाद, आप लोग जानते ही होंगे, फिरोजाबाद चूड़ियाँ और कांच की चीज़ों बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो कि उत्तर प्रदेश में। बोकारो और भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देशों की सहयोग से स्थापित किए गए थे? तो पूर्व सोवियत संघ USSR के सहयोग से। आप बोकारो और भिलाई को ऐसे भी याद रख सकते हैं, बोकारो रूस, बोरू, और भिलाई रूस, भीरू। मूक घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, मतलब साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में है। देश का पहला सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? रानीखेत, चेन्नई में। रेल की बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया? चितरंजन में। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। जौनसारी खरवार थारू जातियाँ मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? उत्तराखंड में। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? तो सभी जानते हैं, प्राइवेट सेक्टर की है। नेवली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकालता है? तमिलनाडु से। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? डेट्रॉयट में। हिमाचल की कुल्लू घाटी में अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम्स में उल्टा पूछ लिया जाता है कि देव घाटी कहाँ स्थित है, तो कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह है बेरिंग जल डमरू मध्य। तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा नीलगिरी के दक्षिण में। देश में खाद्यान्न के कुल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश। सेकंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहाँ बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता क्या कहलाता है? बांगर मैदान। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? लैगून झील है, और चिल्का झील उड़ीसा में। किस प्रकार की मिट्टी को सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और वो सिकुड़ती है? चिकनी मिट्टी। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? गोलकुंडा, याद रखिए दोस्तों। और पूर्वी दक्षिणी पूर्वी तट जो कहलाता है वो कोरोमंडल, और वहीं पश्चिमी घाट से लगा हुआ जो तट कहलाता है वो मालाबार तट कहलाता है, जिसमें केरला, कर्नाटक और गोवा के इलाके आते हैं। भारत की कौन सी नदी विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। ये क्वेश्चन IAS में भी आ चुका है कि विंध्या और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो याद रखिए दोस्तों, नर्मदा नदी। भारत का सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी में स्थापित हुआ। अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? केरला में। विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ है? जेनेवा में। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कृष्णा नदी पर। कल्पक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। कल्पक्कम तमिलनाडु में और तारापुर महाराष्ट्र में। बैलाडीला, ये क्वेश्चन MPPCS में भी पूछा गया था। छत्तीसगढ़ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? बेंगलुरु के पास। अगरतला की राजधानी क्या है? किस राज्य की राजधानी है? त्रिपुरा की। भारत में कुल वनों का प्रतिशत कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? 7%। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? जायरे। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया। नायग्रा प्रपात वाटरफॉल कहाँ पे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों में संयुक्त रूप से है, और ये बॉर्डर फॉर्म करता है USA और कनाडा के बीच में। वारसा किस देश की राजधानी है? पोलैंड की। कोंडा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। सिंधु नदी की लंबाई 2280 किलोमीटर। मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी का अपोहन क्षेत्र 132,000 वर्ग किलोमीटर। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी
गुरु शिखर, ये राजस्थान में है। भारत की किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाते हैं? तो गोदावरी नदी को। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। जर्मन और फ्रांस के बीच में कौन सी रेखा है? मैगिनॉट रेखा। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश का। अर्धरात्रि की सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। तुंगभद्रा बहुप्रयोजन नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटका में। सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? थेल्स ने। भोपाल के भारत भवन का डिजाइन करने वाला वास्तुकार का नाम क्या था? चार्ल्स कोरिया। खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गंगटोक सिक्किम में। विश्व में अंगूर उत्पादन उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में होता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश। मृदा की अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का। भारतीय मान्यता के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है, इसमें जनवरी फरवरी की ऋतु होती है शिशिर ऋतु। विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। टोडा, गोंड, भील और गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, और गोंड जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश में सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। प्लैंकटन का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? ठंडी एवं गर्म जल धाराओं के मिलन स्थल पर। पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटो स्थेनीज ने। बरमूडा त्रिकोण स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश एवं देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया था? मैरिनस ने। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहा जाता है? टॉर्नेडो। महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियां जैसी सक्रिय और लंबी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं जलमग्न कटक। आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो 8,598 मीटर। तो 100 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं दोस्तों। अगली बार नए टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊँगा, और अगर आप चाहते हैं कि हमें किसी पर वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम बिल्कुल वो वीडियो बनाएंगे। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।